प्रदेश के महोबा जनपद में जिला महिला चिकित्सालय में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में काबिज चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती महिला के पेट में काफी तेज दर्द होने के बावजूद भी डॉक्टरों ने उसका ना तो इलाज किया और ना ही उसे देखने आए, जिसके चलते महिला की मौत हो गई है। मामला बढ़ता देख सीएमओ और तमाम अधिकारी जिला महिला अस्पताल पहुंच गए। मृतका के परिजन उसका पोस्टमार्टम कराने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। इसी के साथ ही परिजनों द्वारा ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही थी। काफी देर चली बहस के बाद परिजनों को मनाने के लिए जिला प्रशासन को सफलता मिली है। मुख्यालय के जिला महिला अस्पताल से डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका चरखाड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसे प्रसव कराने के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। अचानक देर रात महिला के पेट में असहनीय दर्द उठने लगा, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा मौके में तैनात डॉक्टर को कई मर्तबा दी गई। उसके बावजूद चिकित्सक द्वारा बार बार अनसुना कर दिया गया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा अपनी ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने के कारण महिला की मौत हो गई है। इस मामले से आहत परिजनों द्वारा महिला के सबको ले जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। मनीष जी, क्या मामला है जो अस्पताल में इतनी भीड़ बार बार पाई जाती है? लापरवाही के कारण यहाँ पे महिला की मृत्यु हो गई है। यहाँ के स्टाफ के लोग यहाँ के परिजनों की सुनते नहीं हैं और आए दिन पैसे की मांग करते हैं, और यहाँ पे परिजन जब पाँव पे कहते हैं चलिए मैडम, तो गाली और गलौज करके देते हैं। जो कि मेरे पास अभी एक शिकायत पड़ी हुई है एक लोगों की, उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई थी और उनको भगा दिया गया था। यहाँ पे बिना पैसे के भर्ती नहीं की जाती, आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ हो रही हैं, इसका जिम्मा कौन लेगा? बहुत जल्द अंशन में बैठने की तैयारी करूंगा कि मामले में। कहते हैं सरकारी अस्पताल में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती, लेकिन फिर भी भैया वो कहने के लिए है, कागजों में नहीं ली जाती, नगद में ली जाती है यहाँ पे भी। क्या लगता है कि ऐसी प्रकार से लोग बलि चढ़ते रहे? या 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल नहीं सुधरेगा या वहाँ का स्टाफ चेंज नहीं होगा तो मैं अंशन में बैठने की तैयारी करूंगा अपने सारे समर्थकों के साथ। क्या मामला भी है? हम लोग यहाँ सरकारी से आए हैं और यहाँ पे डिलीवरी थी हमारी भाभी की, तो डिलीवरी 2 बजे रात की हो गई है। लड़की हुई थी दिन की हुई ना? हाँ, दिन की हो गई है। उसके बाद ये मरीज हमारा यहीं पे था, मरीज रहने के बाद इसके रात के 3 बजे पेट में दर्द हुआ। दर्द जब हुआ है तो बुलाया गया डॉक्टर लोगों को सबको, लेकिन कोई यहाँ पर सुनाई नहीं हुई। उसके बाद अब हम लोग इनको बॉडी मांग रहे हैं कि अगर मुझे बॉडी चाहिए ओनली, मुझे किसी से कोई शिकवा कोई गिला नहीं है, मुझे केवल ओनली मुझे बॉडी चाहिए। जो ये लोग कह रहे हैं कि इसकी वो होगा पोस्टमार्टम, मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना। क्या लगता है आपको कैसे ख़त्म हो गई? अब ये नहीं कह सकते कैसे ख़त्म है, क्योंकि हम डॉक्टर तो हैं नहीं है, लेकिन लापरवाही तो हुई है, लापरवाही तो फुल तरीके से हुई है। लापरवाही तो यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे, सब लोग जानते हैं, तो अच्छे हुए थे बैठे के, जानते हैं कि लापरवाही तो होती है और भाई बराबर अभी भी हो रही है। कब आए थे आप चरखारी से? हम लोग कल 6 बजे उनके हस्बैंड हम उनके देवर। क्या नाम है उनका जो खत्म हुई है? सूरवीर।